हाय एवरीवन, वेलकम टू जागृति डू एट होम। मैं हूँ जागृति और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वाटरमेलन जूस। पर ये सिर्फ एक तरबूज का जूस नहीं है, इसमें मैंने ऐड किया है कुछ ट्विस्ट। समर का सीजन है और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपकी बॉडी को ही नहीं स्किन को भी तरोताजा कर देता है। गर्मी के दिनों में मैं इसे रोज बनाती हूँ और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए तो इसे फ्रेश बनाकर सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये जूस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है वाटरमेलन का स्लाइसेस 4, थोड़ा सा शुगर लिया है। अगर वाटरमेलन बहुत ज़्यादा मीठा है तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ड्रिंक में ट्विस्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश मिंट लीव्स और एक नींबू और थोड़ा सा काला नमक। तो सबसे पहले हम तरबूज को इस तरह से काट लेंगे, ये देखिए, जिससे कि जार में डालने के लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह से बाकी के स्लाइसेस को भी हम कट कर लेंगे। नीचे का पार्ट, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम हटा देंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम इसे जार में डाल देंगे ब्लेंड करने के लिए और ऊपर से डालेंगे फ्रेश मिंट लीव्स। इसकी फ्रेश खुशबू स्वाद को तो बढ़ाती ही है, साथ में ये एक एंटीबायोटिक भी है। पुदीने में मौजूद एंजाइम हमें रोगों से बचाते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है और बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। थोड़ी सी चीनी डाल देंगे साथ में, थोड़ी सी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे, उस पर इस तरह से छलनी रखेंगे और हम जूस को छान लेंगे। अब हम निचोड़ेंगे एक नींबू। नींबू गुणों की खान है, ये आप सब लोगों को पता ही है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और तरबूज में 92% वाटर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं और ये हमारे खून की कमी को भी दूर करता है, साथ में स्किन के लिए तो अच्छा है ही। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, ये देखिए हमने इसको छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक टेस्ट बढ़ाने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस ये बनकर तैयार है। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप आइस क्यूब्स डाल के इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।